सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री पता नहीं कौन सी भाषा शायद गुजराती में अपने गृह मंत्री को समझा लें कि एनआरसी पे कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि गृह मंत्री साहब और गृह मंत्रालय 9 या 10 बार बोल चुका है कि एनआरसी होने वाला है पूरे देश में। दिक्कत सारी यही हो रही है कि सरकार नहीं दे रही है हमें जवाब, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता है कि एनआरसी में होना क्या है, क्योंकि उन्होंने इसे एक इलेक्शन का मुद्दे की तरह वो लाए थे और उन्हें लगा नहीं था कि इसके विरोध में इतने सारे लोग सड़कों पे उतर जाएंगे। लेकिन जो लोग सड़कों पे उतरे वो ऐसी एवे नहीं उतरे मैम, वो इसलिए उतरे क्योंकि उन्हें डर है, उन्हें अपने अस्तित्व को लेके इस देश में डर है उन्हें। और ये सिर्फ एक समुदाय नहीं है मैडम। अच्छा स्वरा भास्कर, देश के प्रधानमंत्री कौन सी भाषा में बोले कि आपको समझ में आएगा कि एनआरसी को लेकर, अभी हिब्रू में बोले, फ्रेंच में बोले, संस्कृत में बोले, कोई और भाषा में बोले कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि एनआरसी पर अभी किसी तरह की कोई बैठक भी नहीं हुई है, कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है, क्या करें प्रधानमंत्री के आप लोगों को यकीन हो जाए। सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री पता नहीं कौन सी भाषा शायद गुजराती में अपने गृह मंत्री को समझा लें कि एनआरसी पे कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि गृह मंत्री साहब और गृह मंत्रालय 9 या 10 बार बोल चुका है कि एनआरसी होने वाला है पूरे देश में। वैसे याद दिला दूं, वो सिर्फ प्रधानमंत्री के गृह मंत्री नहीं है, आप हिंदुस्तान की सिटीजन है, वो आपके भी गृह मंत्री हैं। रूपिका जी, भारत एक लोकतंत्र है, बिल्कुल अगर है। आपको लगता है कि हमें गृह मंत्री साहब को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, नो प्रॉब्लम, आप ये बात सरकार से बोल दीजिए कि हमें बोल दें, हम नहीं लेंगे सीरियस। दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मादर। ला ला, 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 ला। एनपीआर सिटीजनशिप को लेकर नहीं है, एनपीआर सेंसस को लेकर है, वो नागरिकता को लेकर नहीं है। आप क्यों कंफ्यूजन फैला रहे हैं? ऐसे हवा में थोड़ी ना एनपीआर की बात शुरू हो गई। बात कैसे शुरू हुई, मैं वही आपको कह रही हूँ, शुरुआत होती है एनपीआर इज अ रेगुलर प्रोसेस। वुड यू लाइक मी टू आंसर योर क्वेश्चन और यू वांट टू जस्ट कीप टॉकिंग? नहीं, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। नहीं नहीं समझाइए, आप एनआरसी एनपीआर मत कीजिए ना, आप मुझे मत। एनपीआर डिफरेंट है, आप मेरा जवाब एनआरसी डिफरेंट है मैम, सीएए डिफरेंट है मैम। आप बिना संदर्भ के ना, ये बहुत बेहतरीन तरीके से हम जो है चीजों को भटकाते हैं और फॉल्स इक्विवेलेंसेस, जिसका मुझे हिंदी एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन झूठी बराबरियां करते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।